अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी परफेक्ट फ्राई ऑनियन और उसको स्टोर करने का तरीका, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। अगर आपको क्विकली बिरयानी, कोरमा या ग्रेवी बनानी है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो प्याज ली है और उसको छीलकर बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को एक ही साइज में कट करेंगे और उसके बाद प्याज को इस तरीके से हाथों से मसल मसल कर अलग करेंगे इनको, और पंखे की हवा में सुखा लेंगे। जो इनके अंदर मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और ये ड्राई हो जाएंगे। 500 ग्राम ऑयल को एक पैन के अंदर तेज़ गर्म करेंगे और जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी प्याज डालकर फ्राई करेंगे। प्याज डालने से जो भाप पैन के अंदर बनेगी उससे ऑयल बाहर आ सकता है पैन से, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करेंगे। अगर तेल हमारा ठंडा होगा तो हमारी प्याज कुरकुरी नहीं बनेगी और सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए हमें ऑयल को पहले तेज़ गर्म करेंगे और प्याज डालने के बाद एक बार उसके अंदर स्पून चलाएंगे और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। जब तक हमारी प्याज हल्की गुलाबी कलर की ना हो जाए तब तक हम इसके अंदर स्पून नहीं चलाएंगे। प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इस स्टेज पर इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे और फ्लेम को लो करेंगे, और अब हमें बहुत ध्यान देना है। लो फ्लेम पर डार्क ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, और प्याज हमारी डार्क ब्राउन हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करेंगे। हमें इसका कलर इतना ही ब्राउन रखना है, वरना ठंडे होने के बाद तो ये और भी डार्क हो जाएगी और देखने में काली लगेगी। बस इस स्टेज पर अब हम इनको निकाल लेंगे एक छलनी के अंदर, और छलनी के अंदर हम इनको 5 मिनट रखेंगे, जिससे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। आप इसे टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं, और उसके बाद एक प्लेट के अंदर फैलाएँगे और ठंडा होने के 1 घंटे के बाद हम इनको स्टोर करेंगे। प्याज हमारी ठंडी हो चुकी है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं। इस तरह का एक जिप लॉक बैग लेंगे और फ्राई प्याज को उसमें फिल करेंगे। मार्केट में जब प्याज सस्ती होती है तब आप इसको इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं फ्राई करने के बाद, और सडनली आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तब भी आपको बिरयानी, कोरमा और वेज ग्रेवी बनाने में आसानी होती है और आप इसको सडनली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी जिप लगा देंगे इस तरह से, और इसको फोल्ड कर देंगे और उसकी एयर निकाल के इस तरह से हमें इसको पैक कर देना है। पैक करने के बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और विदाउट फ्रिज भी आप इसको रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।